हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड, क्रैकिंग बीपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट इज एवरी वंस ड्रीम, बट इसको कैसे करना है मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है। ऑब्वियस जो नए बच्चे होते हैं उनको तो और नहीं पता होता है, और वे लोग जो है मार्केट के द्वारा आराम से मिसगाइड हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, इफ यू आर सीरियस अबाउट बीपीएससी एग्जामिनेशन और आपका ये लक्ष्य है कि भविष्य में जो भी बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है उसे पहली बार में आप क्रैक करो और अपना अपने माता पिता का नाम रोशन करके राज्य की सेवा करो, तो यह वीडियो आपके लिए है। वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट। इसमें हम चर्चा करेंगे कि कौन सी स्मार्ट स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए जिसको पालन करके आप आराम से बीपीएससी जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड, बीपीएससी के द्वारा काफी ज्यादा क्रांतिकारी अप्रोच अपनाया गया है। आज जो है हाल ही में बीपीएससी के द्वारा अपना कैलेंडर जारी किया गया है सारे एग्जामिनेशन को लेके, कि किस दिन एग्जाम होगा प्री का, किस दिन उसका रिजल्ट आएगा, किस दिन मेंस का एग्जाम होगा, किस दिन उसका रिजल्ट आएगा, फिर फाइनल रिजल्ट कब आएगा, सारी चीजें शेड्यूल करी गई हैं बीपीएससी के लिए। तो ये एक दो साल जो आने वाला है 2024 तक, यदि आप बीपीएससी जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम को पाना चाहते हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये पता होना चाहिए कि कहां से आपको क्या पढ़ना है और कौन सी स्ट्रेटजी अपना के बीपीएससी को क्रैक करना है। यदि हम बात करें तो देखिए, यदि 68 बीपीएससी की बात करें तो आपको यहां पे पता है कि इसका प्री एग्जाम जो है 8/1/2023 को होने वाला है। देख रहे हो ना, प्रीलिम एग्जाम, इसको इसका रिजल्ट जो है 22/2/2023 को आ जाएगा। वहीं यदि मेंस के एग्जाम की बात करें तो ये 8/4/2023 को होगा और रिजल्ट जो है 22/6/2023 को आ जाएगा। तो देखिए, अभी मेंस एग्जामिनेशन तक की बात करें तो आपके पास मात्र 6-7 महीने हैं जिसमें आपको प्री और मेंस दोनों का क्यूमुलेटिव एक्युमुलेटिव अप्रोच के साथ प्रिपरेशन करना है और बीपीएससी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। माय डियर फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द न्यू नोटिफिकेशन। माय डियर फ्रेंड, चलिए देखिए, साक्षात किसी भी एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में, इन वन रन अर्थात पहले प्रयास में टोटली डिपेंड करता है आपके टेम्परामेंट में। टोनी रॉबिन्स का कथन है, जो हम हमेशा, मैं अपने सब जो भी मेरे एस्पिरेंट्स है, जो भी मेरे से स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, सबके साथ शेयर करता हूं कि सक्सेस इन एनी एंडेवर इज 80% साइकोलॉजी और 20% स्किल्स। यहां पे काफी ज्यादा ये गहन शब्द कही गई है टोनी रॉबिन्स के द्वारा कि आपका जो टेम्परामेंट है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप कितना स्किल रखते हो इसके। आपने देखा होगा कभी कभी बहुत सारे बच्चे जो होते हैं मैक्सिमम लेबर करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन उनका जो है प्रयास असफल हो जाता है और वो कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन के लिए जो टेम्परामेंट होना चाहिए वो विकसित नहीं होता है। माय डियर फ्रेंड, तो यहां पे हम चर्चा करेंगे कि सक्सेस इन वन रन आपको क्या चाहिए। कि फर्स्ट आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई होना चाहिए कि आपकी जो है स्ट्रेटजी किस तरीके की होनी चाहिए, क्या क्या आपको करना है, कौन सा अप्रोच अपनाना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो स्मार्ट स्टडी के कुछ फंक्शंस हैं, कुछ ब्रांचेज हैं, कुछ डायमेंशंस हैं, कुछ शाखाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहला तो सिलेबस। देखिए, सिलेबस का ये रूल होता है कि कभी जब मान लीजिए आपको मकान बनाना है, तो मकान बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कि गारा कितना मिलाना है, कौन से प्रकार का ईंट चाहिए, कितना इंच का दीवार वो करना है, बनाना है, और कैसे कितना हाइट का रखना है, ये सारी चीजें, मतलब बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। तो सिलेबस पढ़ने के बाद जो है आपको बेसिक चीजें पता होनी हो जाती हैं कि किसी भी एग्जाम का फॉर्मेट क्या होगा, कौन कौन सा उसका एरिया है जहां से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। माय डियर फ्रेंड, देखिए, किसी भी दुश्मन को छकाने के लिए ये गेम का रूल होता है कि अपोनेंट को मार करने के लिए, उसको छकाने के लिए, उसको हराने के लिए क्या पता होना चाहिए, उसका माइंडसेट पता होना चाहिए। आपके दुश्मन का माइंडसेट क्या है, उसकी क्या कमजोरियां हैं, क्या उसका स्ट्रेंथ है, ये सब पता होना चाहिए। और ये कैसे पता चलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस से। माय डियर फ्रेंड, यहां पे बहुत सारे बच्चे ये मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का मतलब ये होता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, किस टॉपिक से पूछा गया था, और फलाना क्वेश्चन का आंसर फलाना क्वेश्चन का आंसर फलाना होगा या ढिमकाना होगा, जो कुछ भी बच्चे ऐसे कंसीडर करते हैं कि फलाना क्वेश्चन का आंसर फलाना होगा, लेकिन ऐसे नहीं की जाती है। जो क्वेश्चन एनालिसिस है, हमसे यदि आप जुड़ेगा तो हम बताएंगे कि क्या साइंटिफिक तरीका होता है क्वेश्चन एनालिसिस का। एक एक क्वेश्चन को पार्ट वाइज तोड़
के बीपीएससी का माइंडसेट देखा जाता है कि बीपीएससी ने क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछा है, इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है बीपीएससी का, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक चीजें यदि इस पर हम चर्चा करें तो पूरा 2 घंटे का पूरा वीडियो बनेगा, लेकिन आपका कम समय लेके आपको पूरा गाइड करने वाला हूं कि किस तरीके से आप स्मार्ट स्टडी करें, स्मार्ट 4 डायमेंशंस को अपने जीवन में समाहित करके तो आप आराम से बीपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट क्रैक कर सकते हो। उसके बाद आपका सोर्सेज डिफाइन होना चाहिए कि कहां से पढ़ना है। मैं हमेशा कहता हूं अपने बच्चों से, आप देखिए प्रीवियस हाल ही में बीपीएससी के द्वारा यदि आप जानते होगे एएओ का एग्जाम हुआ है, अर्थात असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का एग्जाम हुआ है, तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है, कहता है कि एनसीईआरटी पढ़ के क्या होगा, फलाना बुक कोई बता देता। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं कि 2 बुक पढ़ लो, 3 बुक पढ़ लो और एग्जाम क्रैक कर लो। माय डियर फ्रेंड, आई वुड लाइक टू मेक यू कंफर्म क्रैकिंग ओनली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑफ एनी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इधर इट बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस और आईएएस एग्जामिनेशन, ठीक है। ये आपका एम नहीं है, फाइनल एम है आपको फाइनल सिलेक्शन लेना, क्रैक करना, प्री मेंस और इंटरव्यू क्रैक करके फाइनल सिलेक्शन लेना, आपका फाइनल लिस्ट में मेरिट लिस्ट में जो है नाम लाना। तो इसके लिए आपका पूरा जो है एक्युमुलेटिव अप्रोच होना चाहिए प्री कम मेंस का, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है किसी भी सब्जेक्ट को लेके ये पता होना चाहिए। रटने वाला का अब जमाना धीरे धीरे गया, बीपीएससी खुद एनालिटिकल अप्रोच के साथ अब पेपर पूछ रही है। आप देखोगे तो आज से 5-6 साल पहले का अप्रोच दूसरा था बीपीएससी का, अब बीपीएससी जो है 20-30 प्रश्न ऐसे है जो एनालिटिकल होता है और मैक्सिमम बच्चे साधारण होता है लेकिन एनालिसिस पे बेस्ड होता है, तो मैक्सिमम बच्चे जो अपने आप को दिसमार का समझते हैं उसको गलत कर देते हैं, ठीक है। तो आपका सोर्सेज डिफाइन होना चाहिए, और उसके बाद जो चौथा आपका आयाम है आपके स्मार्ट स्टडी का वो है डिसिप्लिन। 1 साल के लिए 10-12 महीने के लिए सब कुछ भूल जाओ, दुनिया को भूल जाओ, ठीक है। अपने आप को याद रखो, आप अपना मंथन करो, आत्म मंथन करो, अपने परिवार के अलावा किसी भी कोई फंक्शन अटेंड नहीं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि अनसोशल हो जाओ और वो हो जाओ, सबसे एक कमरे में बंद कर लो, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाहरी आयाम को आप अपने अंतर मन से समझने की दृष्टि आपको तभी डेवलप कर पाओगे, आपको तभी आएगी जब आप अपने आप को जानोगे। और ये कैसे होगा, डिसिप्लिन के थ्रू होगा। डिसिप्लिन के थ्रू इसमें क्या क्या करना है, आपको आपका प्रॉपर रूटीन पता होना चाहिए, एक प्रॉपर आपका एक किसी भी रूम के में या घर के किसी भी कोने में आपका स्टडी टेबल होना चाहिए नीट एंड क्लीन, आपको कब पढ़ना है, कब जगना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सारी चीजें इसमें समाहित होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो सोशल सर्किल है, आप किससे बात करते हो, उससे क्या लेते हो, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मान लीजिए आप दिन में एक ऐसे व्यक्ति के साथ मिलते हो जो अल्ट्रा नेगेटिव है, आजकल नेगेटिविज्म चारों तरफ फैला हुआ है, नकारात्मकता चारों तरफ फैली हुई है, तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपका एनर्जी शोषण कर लेंगे अपने बातों से, आपको पता नहीं चलेगा, वो अपना दुख बताएंगे, दुनिया भर का दुख बताएंगे कि कम्युनलिज्म काफी ज्यादा बढ़ गया है, असहिष्णुता बढ़ गई है, फलाना गरीब है, ये धनी है, ये वो है, ये वो है, फलना का बेटा इतना जो है स्केल पे किसी और जगह पे काम कर रहा है, तो इन सारी चीजों को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। तो डिसिप्लिन, ये 4 आयाम हैं, इसमें क्या आपको पता होनी चाहिए, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनालिसिस आपको पता होना चाहिए, आपका सोर्सेज प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए, और डिसिप्लिन, इसमें मैं लाऊंगा पूरा डिटेल वीडियो, और डिसिप्लिन पता होना चाहिए। यदि इन 4 आयाम को आप फॉलो कर लिए तो आप आराम से जो है बीपीएससी फर्स्ट रन में क्रैक कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड, हमारा जो कोर्स है, हम अपनी मार्केटिंग कर लें, हमारा जो कोर्स है हम स्टार्ट कर रहे हैं बीपीएससी 68वीं बीपीएससी प्री और मेंस के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यदि आप सीरियस हो तो आपको जो है अभी से इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि आप मैं जब प्रिपरेशन कर रहे हो 68वीं बीपीएससी का, तो इसमें प्री और मेंस दोनों साथ साथ चलना चाहिए, क्योंकि टोटल 7-8 महीना है। इसमें आप ऐसे कोशिश करोगे कि पहले प्री दे लेते हैं तो मेंस देंगे। मैं 68वीं बीपीएससी के लिए बहुत सारे बच्चों से पहले से कह रहा था कि आप जो है 68वीं बीपीएससी मेंस का प्रिपरेशन कीजिए, मैं मई के बाद से ही कहते आ रहा हूं। तो मैक्सिमम बच्चों, लगभग हमारा 100 बच्चों का ग्रुप बन चुका है जो काफी डेडिकेटेड है, जिनका प्री में जो है 122-120 ऐसे आता है, और ये
सब लोग हमसे जुड़े हुए हैं और काफी बढ़िया उनका फीडबैक आ रहा है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो मुझे काफी ये हैप्पीनेस है कि बच्चों ने माइंडसेट क्रिएट करके इस एग्जाम के लिए जुड़े थे, मेरा बात माने थे। तो जो भी सिलेबस हमारा तैयार हो गया है तो एग्जाम के बाद 67वीं बीपीएससी प्री के बाद जो है उनको एक पॉजिटिव पुश मिलेगा और वे आगे जो बचा हुआ सिलेबस है वो आराम से तैयार कर लेंगे। तो इफ यू आर सीरियस अबाउट 68 बीपीएससी प्री का मेंस एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड, तो आप जो है हमारा प्री का प्रोग्राम है जिसमें हम एनसीईआरटी 6 to 12 क्लास का फाइनल पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ स्टैंडर्ड बुक्स जो भी लक्ष्मीकांत ज्योग्राफी का बुक हो गया, इसके साथ साथ देखिए हमने देखा है कि जो बीपीएससी का प्रिपरेशन करने आते हैं बच्चे उनका थॉट प्रोसेस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट काफी ज्यादा लो लेवल का होता है। तो इसमें जो है हम मॉरल एथिक्स इंटीग्रिटी डिसिप्लिन और डिसीजन मेकिंग वाला प्रोसेस आप एक, चूंकि ये आईएएस का सिलेबस है लेकिन महीना में एक इसमें जो है वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको तरीका बताया जाएगा कि कैसे आप अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सको, कैसे अपना थॉट प्रोसेस जो है इनहेंस कर सको, कौन सी तरीका होना चाहिए, किस तरीके से आप अपने आप को जो है आने वाले समय के लिए तैयार कर सको, ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड है। तो हम एनसीईआरटी इसमें सब 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक पढ़ाएंगे, काफी साइंटिफिक अप्रोच के साथ इसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिलेगा हर एक टॉपिक पे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, केवल इसमें आप को फैक्ट्स नहीं दिए जाएंगे, जैसे मार्केट में आप जाओगे ये प्री के प्रिपरेशन के नाम पे आपसे 20,000-30,000 रुपए ऐंठ लिया जाता है, लेकिन अंततोगत्वा आपको जो है टोटल मेहनत करना होता है। कोचिंग करने का मतलब चाहे या आप ऑनलाइन करो या ऑफलाइन, कि आपको मेहनत कम करना पड़े और आपको जो है गाइडेंस ज्यादा जरूरी होता है। तो इसमें ये गाइडेंस है, नोट्स जो है वो गाइड का काम करेगा, ये जो हमारा नोट्स है काफी साइंटिफिक तरीके से बनाया जाएगा, ये नोट्स जो है आपको केवल फैक्ट्स याद नहीं कराएंगे, आपके समझ को भी विकसित करेंगे, आपके सेंस ऑफ वंडर को भी एक्टिवेट करेंगे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो इसमें एनसीईआरटी 6 to 12 क्लास का प्लस स्टैंडर्ड बुक, इसके साथ साथ करंट अफेयर्स, स्टैटिक और बिहार सब इसमें कवर कराया जाएगा और टेस्ट सीरीज भी वीकली इसमें कंडक्ट कराया जाएगी। इस टोटल का जो फी है यह मात्र 1500 रुपये है, यदि आप मंथली जोड़ो जब एग्जाम है तो सारा एग्जाम मिला के जो है एग्जाम तक जैसे इसमें 300 से 400 महीने पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इतना कम फी में जो है आप प्री का तैयारी कर सकते हो। वहीं यदि मेंस की बात करें तो मेंस में हम जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड पेपर के जो भी पोर्शन है लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, स्टैटिस्टिक्स, जो चीजें हैं सारी चीजें इसमें कवर कराई जाएंगी। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स हमारा मेन यूएसपी है, उसके बाद बिहार स्पेशल भी इसमें कवर कराया जाएगा और इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ साथ में कराई जाएगी माय डियर फ्रेंड। इसका जो टोटल फी है वह 2100 रुपये है मात्र। ठीक है, इसमें हर एक क्लास पे जो है क्लासेज कैसे प्रोवाइड कराई जाएंगी, इसमें वीडियो लेक्चर और प्लस पीडीएफ नोट्स हर एक टॉपिक पे आपको मिलेगा। तो इफ यू वर्क सीरियस अबाउट 68 बीपीएससी प्री का मेंस एग्जामिनेशन देन यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप ऑन, ये हमारा नंबर है 9810638805, यहां पे लिख दे रहा हूं 9810638805, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल करके जो है हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का स्पीड और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। और इसके साथ साथ पूरे कोर्स के साथ साथ आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत माय डियर फ्रेंड।